प्रियंका ने अनवील किया एक नया कैंपेन। महेश मांजरेकर ने किया म्यूजिक लॉन्च। क्या प्रियंका और शाहिद अब भी हैं एक साथ? युवराज सिंह की फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली एक वेल नोन क्लोथिंग लाइन के न्यू कैंपेन को अनवील किया, जिसका नाम था चेंज योर वर्ल्ड। वैसे प्रियंका से पहले अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। प्रियंका ने इस इवेंट में अपने करियर के बारे में भी बात की और ये भी कहा कि वो कब फिल्मों को क्विट करेंगी। बहुत पहले भी ये कहा है कि मैं कभी एक्टिंग स्कूल गई नहीं, मैं किसी कॉलेज में नहीं गई, मेरा एक्टिंग स्कूल और मेरा फिल्म स्कूल मेरा करियर रहा है। मैं गिरती पड़ती अपने आप को डस्ट करते हुए फिर से खड़ी हुई हूँ, बहुत बार यू नो इंजर्ड हुई हूँ, लेकिन सीखने का मौका मिला है। एंड आई थिंक आई वांट टू कीप डूइंग मोर वर्क। एंड हो सकता है कुछ फिल्में ना पसंद आए, हो सकता है कुछ फिल्में पसंद आए। एंड आई थिंक जब उस मुकाम तक पहुँचूंगी जहाँ पे मैं कहूँगी अब तो मुझे सब कुछ आ गया, I'll quit। अपनी फिल्म सात खून माफ को लेकर प्रियंका थी काफी एक्साइटेड, जानते हैं क्यों? बाकी सारी हसीनाएं कितनी जेलस होंगी मुझसे, आप सोचते रहिए। एक तो साथ, शौहर, उसके ऊपर से उन सबके कदम, सोचिए आप। महेश मांजरेकर सिटी ऑफ गोल्ड इस फिल्म के साथ फिर से डायरेक्शन की बागडोर संभाल रहे हैं और रिसेंटली इस फिल्म का हुआ म्यूजिक लॉन्च, जिसमें मौजूद थी फिल्म की पूरी कास्ट। भले ही कमीने की रिलीज के बाद शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा के प्यार के किस्से खत्म हो गए हों, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कॉन्टैक्ट में हैं। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका और शाहिद ने गोवा में एक साथ काफी वक्त गुजारा। इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह इन दिनों काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो एक अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी लाइफ पर बेस्ड एक हॉलीवुड एनिमेशन फिल्म बनाई जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा कैप्टन इंडिया। शाहरुख खान के नेकेड डांसिंग स्टेटमेंट पर उठे बवाल की न्यूज सुनने के बाद शाहरुख ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये लिखा है कि आजकल लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं खोसा गया है। नेकेड डांसिंग तो दूर, अब वो नहाते वक्त भी कपड़े पहने रखेंगे। दीपिका के बाद अब कटरीना कैफ विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हुए दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका और कटरीना के बीच कोई कंपटीशन चल रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं? कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था कि मनीषा कोराला नेपाल पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं और उनकी शादी के कोई प्लान्स नहीं हैं। मगर अब सुनने में आ रहा है कि मनीषा शादी कर रही हैं नेपाल के एक बिजनेसमैन से। बॉबी देओल की वाइफ तानिया देओल अपने पति की स्टाइलिंग करेंगी। बॉबी की अगली फिल्म यमला पगला दीवाना और थैंक यू में बॉबी का होगा मॉडर्न एंड स्वॉव लुक, तो यमला पगला दीवाना में वो बने हैं सरदार। दुबई मेगा मेला में हमें डुग्गू यानी ऋतिक रोशन अपने फैंस को फ्लाइंग किसेस और ऑटोग्राफ्स देते हुए नजर आए, और यहाँ तो इन्होंने ये तक कह दिया कि बाबरा मोरी हैं इनकी फेवरेट एक्ट्रेस। ऑब्वियसली काइट्स की रिलीज डेट जो नजदीक आ रही है, ऐसी बातें तो होनी ही हैं। कंगना रनौत की लेग इंजरी ने सिर्फ उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु की शूटिंग ही नहीं रुकवाई, उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की डबिंग भी रुक गई है। जहां पहले कंगना फिल्म की डबिंग शुरू करने वाली थी, अब इमरान इस फिल्म की डबिंग शुरू करेंगे। बमन ईरानी हमें जाने कहां से आई है इस फिल्म में नजर तो आ रहे हैं, मगर वो इस फिल्म में नहीं है। रितेश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बमन को फिल्म की प्रमोशन के लिए लिया गया है, वो फिल्म का हिस्सा नहीं है। शिल्पा करेंगी शो होस्ट, करीना और काजोल की बॉन्डिंग। माय नेम इज खान रिलीज होगी 25 देशों में। शाहरुख खान ने रुकवाई ट्रैफिक। जॉन करेंगे एक्शन फिल्म, विपुल शाह के प्रिकॉशंस। शाहरुख खान की नी इंजरी, कॉफी विद शम्मी जी, जिसम का सीक्वल होगा 3D में। फिल्म मेकर राजकंदर हुए हॉस्पिटलाइज। संजय दत्त देंगे जादू की झप्पी। बॉलीवुड है हॉलीवुड से आगे। वसीम अकरम और सुष्मिता सेन की दोस्ती। जिस डांस शो को पहले सलमान खान जज करने वाले थे, अब उस शो को शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही हैं और अरशद वारसी बनेंगे दूसरे जज। वैसे कहा जा रहा है कि अरशद से पहले जज की कुर्सी पर बैठने का ऑफर शाहिद कपूर को दिया गया था, मगर डेट्स की वजह से उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। एक जमाना था जब हमें बॉलीवुड की कैट फाइट के बारे में सुनने को मिलता था, मगर अब तो कुछ और ही नजारा है। सुष्मिता सेन और कंगना की बढ़ती दोस्ती, लारा और दीपिका की गहरी फ्रेंडशिप और सुश और लारा की बॉन्डिंग के बारे में तो हमने सुना ही है, और अब सुनने को आ रहा है कि जोल और करीना स्टेप मॉम की शूटिंग के दौरान काफी अच्छी फ्रेंड्स बन गई हैं। करण जौहर अपनी फिल्म माय नेम इज खान को इंग्लिश में डब करवा रहे हैं, जिसे वो 25 कंट्रीज में रिलीज करवाएंगे अप्रैल और जून के दरमियान। शाहरुख खान अपनी फिल्म रा 1 की शूटिंग गोवा के एल्डोना इलाके में कर रहे थे, जहां शाहरुख की एक झलक देखने के लिए वहां का ट्रैफिक जाम हो गया। विपुल शाह तमिल फिल्म काका काका का हिंदी वर्जन बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए इन्होंने जॉन अब्राहम को साइन किया है, और उनके ऑपोजिट होंगी गजनी गर्ल असिन। इस फिल्म में जॉन हमें
रोमांस या कॉमेडी करते हुए नहीं एक्शन और स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे। अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय बच्चन 70s के रोमांटिक कपल्स बनेंगे विपुल शाह की अगली फिल्म एक्शन रीप्ले में, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। मगर सुनने में आ रहा है कि इन रोमांटिक जोड़ियों में किसी ने विपुल को बिग बी और रेखा का नाम भी सजेस्ट किया था, मगर विपुल ने इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन दिखाने से मना कर दिया क्योंकि वो बच्चन परिवार को हर्ट नहीं करना चाहते थे। शाहरुख खान को पहले बैक प्रॉब्लम हुई, उसके बाद शोल्डर इंजरी, और अब उनकी फिल्म रा 1 की शूटिंग के दौरान उनको नी इंजरी हो गई। मगर इस बार शाहरुख कोई क्विक रेमेडी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपनी नी इंजरी ठीक करवाने के लिए अपनी ही टीम के फिजियोथेरेपिस्ट को हायर किया। दीपिका पादुकोण रिसेंटली वेटरन एक्टर शम्मी कपूर से मिलने उनके घर गयी, जहाँ उन्होंने कॉफी पर खूब सारी बातें की। इन दोनों की मुलाकात एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई, जहाँ शम्मी जी ने दीपिका की खूब तारीफ की। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और आखिर में इन दोनों की मुलाकात हो ही गई। पूजा भट्ट और महेश भट्ट इंस्पायर हुए हैं हॉलीवुड फिल्म अवतार से, मगर वो इस फिल्म के एक्शन सीन से नहीं लव मेकिंग सीन से इंस्पायर हुए हैं, और अब वो अपनी फिल्म जिस्म का सीक्वल बनाना चाहते हैं, जिसका कंटेंट फर्स्ट पार्ट से ज्यादा बोल्ड होगा। फिल्म मेकर राज कंवर, जिन्होंने शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म दीवाना बनाई थी, उन्हें अक्यूट डायबिटीज की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, वैसे अब इनकी तबीयत ठीक है। संजय दत्त अब देंगे जादू की झप्पी अपने शो पर। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान की तरह संजय दत्त भी शो होस्ट करेंगे। हॉलीवुड फिल्म द हर्ट लॉकर की डायरेक्टर कैथरीन बिगेलो, जो हॉलीवुड की पहली फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता, उनका कहना है कि हॉलीवुड में फीमेल डायरेक्टर्स की फिल्मों के लिए फाइनेंस का जुगाड़ लगाना काफी मुश्किल होता है। वहीं बॉलीवुड की फीमेल डायरेक्टर फराह खान का कहना है कि बॉलीवुड इस मामले में काफी फॉरवर्ड है, क्योंकि यहां डायरेक्टर मेल है या फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर फिल्म अच्छी हो तो। चलिए, इस मामले में तो बॉलीवुड हॉलीवुड से आगे हुआ। पाकिस्तान क्रिकेटर वसीम अकरम और बॉलीवुड डीवा सुष्मिता सेन ने 1.5 साल पहले एक डांस शो जज किया था, मगर आज भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और आज भी कॉन्टैक्ट बनाए रखे हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लेटर इन द डे।